जम्मू के चश्मा एरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली। हादसा उस वक्त हुआ जब फलों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर 1500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CRPF के जवानों के साथ ऑपरेशन कर तीनों शवों को गहरी खाई से बाहर निकाला और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। सुबह जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिली 4:15 के करीब जो है पुलिस थाना रामबन से हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि बैठ कृष्णा के करीब जो है तो जाके सर्चिंग करो तो इसमें मास्क को भी लोड थे तो ये गाड़ी कम से कम कोई 1500 फीट के करीब नीचे गई है गाड़ी है तो इसमें 3 आदमी सवार थे। तो जब हमारी KYT की टीम और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे जब पहुंची और प्लस SDRF तो और प्लस हमारे आर्मी के जवान भी इसमें शामिल थे तो हमने कंबाइन ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद जब काफ़ी नीचे पहुंचे तो तीनों डेड बॉडीज हमने रिकवर कर ली। तो इन्फॉर्मेशन ये मिली कि 3 ही बंदे इसमें सवार थे जो 3 के 3 जो इनकी डेथ हो गई है तो रेस्क्यू करके जो इनको रोड में लाया गया अभी इनको यहाँ से जो है रामन हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। तीनों मृत व्यक्ति कश्मीर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और सभी के परिजनों को हादसे के बारे में सूचित कर दिया गया है। देश और अपने प्रदेश की खबरें जानने के लिए हमारा YouTube चैनल ENB News सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।